बाग दा माली बेईमान हो जाए उहदे फल भी नहीं ते उहदे पत्त भी नहीं, जिस मकान दी नीं जवाब दे जाए वह बिंद भी नहीं ते उह पल भी नहीं, जिहड़ी गऊ शेर दे मूँह लग जाए उहदे बाल भी नहीं उहदी खल भी नहीं, ते जिस कौम दे विचों खून दे विचों गई गैरत वह अज भी नहीं ते उह कल भी नहीं। मेरी कौम दे गैरतमंद साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। स्टेज के उत्तों मेरे तो पहला मेरे समाज दियां बहुत ही महान शख्सियतां तुहाडे नाल विचार सांझे करके गईयां ने, और मेरे तो बाद भी जिहड़े वख-वख बुलारियां ने अपनी गल पेश करनी है। समा सिर्फ 2 मिनट का मिलिया है, मैं तो सिर्फ एक गल करनी चाहुंना कि जेकर असी कहीए कि साडी गिणती घट है जां फिर सानू मौका नहीं मिल रहा जां फिर सानू कोई मौका दे नहीं रहा, मैं तो एको गल कहूँगा, बेहिम्मते हुंदे ने ओह लोग जो शिकवा करन मुकद्दरां ते, ते उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दे, सीना पाड़ के पत्थरां दे। सानू याद है कि साडे बजुर्ग जदों किते मंडियां दे विच जांदे सी तां पल्लेदारी तों कम शुरू कीता है, ते अज जेकर पंजाब दे विच जेकर गिणती करनी होवे ठेकेदारां दी तां मेरे समाज दे लोग सब तों बुलंदी ते बैठे है। इह साडी मेहनत दी बदौलत है, साडी मशक्कत दी बदौलत है। ते अज जेकर गल चलदी है समाजिक तौर ते, धार्मिक तौर ते, राजनीतिक तौर ते, आर्थिक तौर ते, तां को किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। अज जरूरत है कि जिहड़ा साडा भाई साडा भरा कोई सातो पिछे रह गया है, जिहड़ा सातो कोई गरीब रह गया है, अज असी उहदी बाह फड़ीए, अज असी उहनूं अपने खिच के बराबर की गल करन दी गल करिए। अज इन्नी वड्डी तादाद दे विच रोपड़ दी इस धरती दे उत्ते साडे समाज दा इकट्ठ होया है। सच क्या पहलां बुला रहे ने, क्योंकि जदों वीर मेरा लुधियाने पढ़ के आया की नाम निंदी, सच गल है कि जदों किते गुज्जर कह दिंदा तो दूजे नूं पता लगता कि यह भी गुज्जर है, नाल अगला सॉरी बोल दिंदा है, पर अज आ गड्डी दे पिछे लिखिया होया माण वाली गल है, क्योंकि साडा माण साडा समाज उह समाज रहा जिहने देश दे उत्ते राज कीता है। क्योंकि जदों किते गल चलदी है कि कहिंदे राजा भोज किते गंगू तेली, असीं राजा भोज दी अदालत औलाद सी, और अज असी यह कहण नूं मजबूर रह गए हाँ कि साडे बजुर्ग जिहड़े आ मेहनत करदे सी, साडे बजुर्ग आर्थिक तौर तों पछड़ गए सी, उहदा कारण इक्को ही रहा कि असी शिवालिक दी पहाड़ी दे नाल नाल जिहड़े साडे बजुर्गां दा वास सी, और साडा इत्थे कोई मुख धंधा नहीं सी, साडा मुख कोई रुजगार नहीं सी, पर साडे बजुर्गां दी मेहनत दे नाल, साडे बजुर्गां दी मशक्कत दे नाल अज उहनां ने अपने बच्चों नूं पढ़ाया, अपने बच्चों नूं लिखाया और इस काबिल बनाया कि अज स्टेज पर खड़ के असी अपनी भागीदारी अपने हिस्सेदारी अपने समाज के लिए मंग सकते हैं। मैं आखिरी गल करके बेनती करके बह जाना, मैं सिर्फ विधानसभा की गल नहीं, पंजाब दे विच 13 लोकसभा ने, और 13 लोकसभा दे विचों साडी श्री आनंदपुर साहब की लोकसभा जिथे साडे समाज की वड्डी गिणती है। मैं आप जी ने एको बेनती करनी चाहुंदा कि 2024 भी दूर नहीं, कमर कसे कर लो, डंडा जिहदा मर्जी होवे, पर झंडा जिहड़ा मर्जी होवे पर डंडा वे साडे समाज दा होना चाहिए। मैं अज स्टेज दे उत्ते जिन्नियां भी साडियां महान शख्सियतां बैठियां ने मैं सारियां नूं सिर झुका के नमन करदा। जदों 2017 दा इलैक्शन सी तां मैनूं अज सवेरे याद आया, कल मैनूं सद्दा पत्र देण आए वीर जी सोहन लाल जी ते अपने संजू प्रधान जी, मैं उन्हां नूं कहा वीर जी मैं तुहानूं जाणदा नहीं सी, तुसीं मैनूं जाणदे नहीं सी, पर जदों मैं तुहानूं नगुरी मधुआणी काणेवाल रतनपुर बीणेवाल टिब्बियां कोकोवाल हरमा नैणवा टब्बा आदर्श नगर हैबोवाल दे पिंडां दे विच मेरी खातर तुसीं मैनूं नहीं जाणदे, मैं तुहानूं नहीं जाणदा, अपनी गड्डी दे विचों तेल पा के इन्ने नोटां दी थद्दी मेरी जेब च पा के तुसीं कल्ली कल्ली गली मेरे लिए घुम्मे हो, तां तुसीं मैनूं सद्दा पत्र देणे मैं जरूर आवांगा, क्योंकि जिवें मेरे वीर रक्की जी कह के गए आ, क्योंकि जदों भी समाज नूं साडी किते भी लोड़ पवे, दिने पवे रात पवे, क्योंकि गुज्जर दा शब्द की आ, गुज्जर दे शब्द दा अर्थ आ गुज्जर दुश्मन दा नाश करन वाला। अज साडे समाज विच
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਚਾਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੂ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ, ਪਾਲਾ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਗੁੱਜਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਮੀ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਪੰਮੀ ਪਟੋਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 1-2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ